आपका क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 4, -2। नाउ तो देखो इसने क्या कहा है। तो सपोज दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, कहां पर है ये? तो वी कैन सी 3, -1। तो 3, -1 इज हियर 1। सेकेंड इज 4, -2। तो 4, -2 इज समवॉट हियर। नाउ जॉइन देम। और एक्सटेंड कर दो। तो इसने क्या कहा? इसने कहा वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स दिस एंगल। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्लोप देखो क्या होता है हमारा, दैट इज योर एम, स्लोप इज योर एम, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स वन कॉमा वाई वन, दिस इज योर एक्स टू कॉमा वाई टू। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं तो देखो आपका क्या आएगा। तो यू विल गेट y2 is -2 - y1, तो माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन बाई 4 - 3, तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, -1 by 1 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपका स्लोप निकला -1। बट हम स्लोप को और कैसे लिखते हैं, वी विल राइट इट एज टेन थीटा, वी नो दैट एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू -1, टेन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देखो इसको भी टेन में लिखो, टेन में हमारा वन कहां पर आता है, 45 डिग्री में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू -tan 45 डिग्री। नाउ तो ये देखो आपका 45 डिग्री माइनस में, तो टेन हमारा माइनस में कब आता है, इट विल गेट इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड एंड फोर्थ में हमारा टेन इज ऑलवेज माइनस में, तो हमारा है -1 आना चाहिए, तो -1 हमारा यहां पर आएगा। दैट मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं, टेन 180 डिग्री -45 डिग्री इज योर -tan 45 डिग्री। तो कितना हो गया, दिस इज tan 135। तो नाउ वी कैन से इट्स अ tan 135 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप कंपेयर करो तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से निकालना है।